नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था कि उस वल्लभ भवन को जो प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में देखा जाता है, उस वल्लभ भवन को वो जोड़ी एक है बड़े भाई, एक है बड़े भाई का चार का अड्डा। आप और हमने यहां अनुभव किया है, आप और हमने यहां स्वयं देखा है कैसे इस मुरैना जिले में हमारे नदियों को खोद, चंबल को खोला गया था, एक एक नदी को खोदा गया था और रेत और जो इस क्षेत्र में चढ़ाया गया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था। कहा था उन्होंने, कांग्रेस का कहना 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा, कहा था कि अगर माफ नहीं तो हम मुख्यमंत्री को 10 दिन में पकड़ेंगे। किसान का कर्जा 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 10 महीने नहीं, 15 महीने नहीं, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। 26 लाख मेरे किसानों को झूठा प्रमाण पत्र देकर उनको ब्याज के बोझ के अंदर दबाने का कार्य कांग्रेस ने किया। मैंने नौजवानों को कहा था कि चिंता मत करना, बेरोजगारी भत्ता हम लाएंगे। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता, कैसे मिलता? पूरा भत्ता तो कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट में जा रहा। मेरी महिलाओं को प्रदान करनी चाहिए, एक रुपया नहीं दिया। और जब मैंने किसानों का और अतिथि शिक्षकों का बात उठाया तो कहा गया मुझे, सड़क पे आ रहा। अरे ये जोड़ी भूल गई, ये सिंधिया परिवार का खून है, उस राजमाता का खून मेरे रग रग में है, जिनको डीपी मिश्रा जी ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा जी की सरकार को धूल चटाने का कार्य राजमाता ने किया। मेरे किसानों का है, मेरे शिक्षकों का बात आता है और कहा मुझे सड़क पे आने के लिए, मैंने कहा मैं भी तैयार हूं, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अब या तो वो सरकार रहेगी या मैं रहूंगा। मेरा और मैं बात देता हूं, गिरना दर्द किया जैसे सिपाही को की, आज के जमाने में तो सरपंच अपना पंची नहीं देता, विधायक की और कैबिनेट मिनिस्टर ने त्याग कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हमने स्थापित किया। ने रात दिन कार्य किया, एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह जी और भाजपा सरकार ने, नरेंद्र सिंह जी ने, बीडी शर्मा जी ने चप्पल उतार कर प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहुंचाने पर बजाने का कार्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव की नीति है मेरे भाइयों बहनों। और आज 3 सालों में मेरे किसानों के लिए जो ऋण के बोझ में दबे थे,
शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना निकालकर 2,300 करोड़ रुपए सीधा सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचाकर किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिलता था मेरे मतदाता को। ओ हमीर सिंह जी मेरी आंखें बड़े तेज है। एक एक अन्नदाता को 6,000 रुपया मिलता था, शिवराज सिंह जी ने केंद्र की योजना में 4,000 रुपया मिलाकर 10,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का कार्य मिला है कि नहीं बताओ मुझे। अगर मिला है तो तालियों की गड़गड़ाहट। ओ दादा यहां से मुझे दिल्ली की ताली गई है, बड़ा दिल्ली की ताली हो गई। तो शिवराज सिंह जी ने 6,000 रुपया से मेरा बढ़ाकर 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपया करके 12,000 रुपया मेरे किसान के खाते में पहुंचने का कार्य। आज कमलनाथ की सरकार होती तो मिलता आपको किसान की आमदनी बढ़ाने का कार्य किया हो, वही मेरे महिलाओं के लिए जो महिला मात्र शक्ति है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं हमारे देवता विराजते हैं। पर अगर किसी एक प्रदेश ने इस देश में ये करके दिखाया है तो शिवराज सिंह जी ने पहले लाडली बहना योजना और उसके बाद पहली लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना योजना मेरे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया प्रति माह पहुंचाने का काम किया। बोलो उनका खाते में आ रहे कि नहीं? Yeah!
भारत के जनता पार्टी दे रही है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिस पार्टी ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, क्या एक भी वोट ऐसे पार्टी को जाना चाहिए? और संकल्प लो मेरे साथ, निर्णय आपका है। अपने 90 दिन के अंदर एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ एक तरफ आपका तलवार और आपका धार, और दूसरे तरफ श्रीमान बंटा धार। एक तरफ आपका तलवार और दूसरे तरफ एक तरफ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, और दूसरे तरफ झूठ, लूट और भूत की सरकार। तो अगर मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाते हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कहो मेरे साथ, ओ गुलाबी घूंघट वाली अम्मा, हाथ उठाकर, पीछे नीली घूंघट वाली अम्मा, हाथ उठाकर मुट्ठी बांध।